ठीक ठाक होंगे मजे में होंगे जनाब आज आज की की वीडियो है अबाउट हेयर हेयर केयर रूटीन एंड सो जो वीडियो है वो मेरे लिए थोड़ी सी डिफरेंट है बिकॉज मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है आप लोगों को पसंद आए और पसंद आए तो काइंडली लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा सो दिस इज माई ओरिजिनल हेयर कलर जो मेरा डाई से पहले था और ये था ब्लॉन्ड में था लेकिन ये डार्क हो चुका था और ये मैंने लॉरियल पेरिस का 9.1 जो है कलर यूज़ किया है और इसको अब मैंने मिक्स कर लिया डिवेलपर क्रीम इसमें ऐड कर दी है और पूरी ट्यूब ऑलमोस्ट लग गई थी मेरे बालों की वॉल्यूम के हिसाब से सो so, ये 9.1 है लॉरियल पेरिस का हेयर कलर और ये मेरे बाल थे डाई करने से पहले और ये आप देख सकते हैं ये कॉपर कलर हो गया गोल्डिश कॉपर कलर हो गया इससे पहले ये मैंने ऐश में करवाया था लेकिन वो डेफिनेटली कट डाउन के बाद कलर ऐसा हो जाता है चेंज हो जाता है बिकॉज जो आपका कलर होता है वॉश के बाद रिमूव होना शुरू हो जाता है और कट डाउन का कलर निकलना शुरू हो जाता है सो so देन मैंने अब क्या किया है कि डेवलपर को मिक्स किया है क्रीम के साथ जो क्रीम हमें मिलती है और इसमें आपका कंडीशनर भी है इस जो मैंने पैकेट लिया था उस पर कंडीशनर भी था और सीरम भी था और जस्ट मैंने इसमें डेवलपर और क्रीम ऐड किया है हेयर कलर सॉरी हेयर ड्राई क्रीम और पार्टीशन बालों की करके तो रूट्स से हमने स्टार्ट करना है ड्राई करना और पार्टीशन करने के बाद रूट्स से हम स्लोली स्लोली इसको अप्लाई करेंगे देन अप्लाई करने के बाद 15 टू 30 मिनट्स इसको रखना है बालों में और देन इसको वॉश आउट कर दिया इस वक्त बाल मेरे बिल्कुल गीले हैं और कंडीशनर जो उसमें दिया होता है उससे मैंने वॉश आउट कर लिया है और वॉश आउट करने के बाद इनको ब्लो ड्राई से ड्राई कर लिया है और ड्राई होने के बाद ये बालों का कलर कुछ ऐसे निकला है वो गोल्डिश चला हुआ जो कलर था वो अब नहीं शो हो रहा अब ये बहुत खूबसूरत ऐश ब्लॉन्ड कलर हो गया है इसमें लाइक like आपका एश कलर भी आ गया है और ब्राउनिश कलर भी आ गया है मतलब बहुत मज़े का कॉम्बिनेशन बन गया है और बहुत अच्छा लग रहा है जस्ट लॉरियल का मैंने हेयर डाई यूज़ किया कोई स्ट्रीक्स इसमें यूज़ नहीं की कोई एक्स्ट्रा मैंने चीज़ इसमें नहीं ली जस्ट लॉरियल का हेयर डाई डिवेल्पर और क्रीम मिक्स करके उसको अप्लाई कर दिया और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है इसमें ये तो थी आज की वीडियो होप्स आप लोग को पसंद आई हो और अगर पसंद आई है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह